हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू एंड दिस इज डॉक्टर विपन गोयल। सो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए सेट नंबर 16। ये क्लास जो है मेरी विदाउट फेस है। मंडे को जो मेरी क्लासेज आएंगी विद फेस आएंगी, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत जो है ख़राब चल रही है तो घर पर थोड़ा सा रेस्ट कर रहा हूँ। और आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो हम सुबह हमारी 8:30 बजे वाली क्लास होती है उस टाइम को मैंने शिफ्ट करना है, क्योंकि जो हमारा समय है सुबह 8:30 का, एक तो सुबह बहुत जल्दी हो रहा है और प्लस जो है सर्दी का मौसम आ रहा है और तभी थोड़ी बहुत मेरे को भी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे ही मैं चाहता नहीं कि फ्यूचर में जाके भी हमारी क्लासेस का टाइम कभी जो है लेट हो, कभी जल्दी हो। तो एक टाइम आप मुझे बता दीजिए, 8:30 के बाद आप कब टाइम चाहते हैं, तो आपको ये बताना है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपके पास है और फेसबुक का आईडी पर आपके पास है, मैंने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पूछा भी था, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक के ऊपर भी मुझे जो है आपको मैसेज करना है, आपको कहीं पर कमेंट मत करना, मैसेज जरूर करना, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारी बिगेस्ट सेल चल रही है दिवाली के ऊपर, 70% ऑफ चल रहा है और ये जो हमारी सेल है 30 अक्टूबर तक है। studyiq.com आप विजिट कर सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए इस जगह के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो हैं मेरे कोर्स के बारे में, मुझे आज भी बहुत सारे फ़ोन आए, मैसेजेस आए थे कोर्स के बारे में पूछ रहे हैं। तो हमारी ऐप जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, जैसे ही ऐप लॉन्च हो जाएगी तो आपको बताया जाएगा, उस ऐप के अंदर ही मेरा कोर्स आएगा, जो भी उस टाइम पर जो भी चीज़ें रहेंगी, आपका क्या उस पर भी डिस्काउंट क्या रहेगा, सब उस टाइम पे बताया जाएगा। बाकी जो है इन एग्जाम की तैयारी आप घर बैठे कर सकते हैं। ये है जी मेरा फेसबुक का लिंक, ये है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, यहाँ पे आप मुझे प्लीज़ डायरेक्ट मैसेज कीजिए और साथ के साथ मुझे बताइए कि सुबह 8:30 बजे वाली क्लास का जो टाइम है वो कितने बजे रखना है। जो हमारी अभी 12 AM वाली क्लास हो रही है वो एज इट इज़ हमारी 12 AM को ही रहेगी, लेकिन आपने मुझे सुबह 8:30 बजे वाली क्लास का टाइम बताना है। और ये दोनों क्लासेज अब से फेस में आएंगी, लेकिन मंडे से आएंगी, ध्यान रखना, मंडे से दोनों क्लासेज फेस से आएंगी, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत मैंने आपको जैसे बताया पहले ख़राब है, तो अभी मंडे से मैं इसको कंटिन्यू करूँगा विद फेस। एंड ये मेरा जो है आपका जीमेल आईडी का लिंक है, यहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और अपना डाउट वगैरह सेंड कर सकते हैं। तो मैसेज जरूर करना है आपको मुझे। तो देखिए जी, आज का लेक्चर क्या है, आज के लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे का थीम क्या था। पहली बात तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कब होता है, वर्ल्ड टूरिज्म डे होता है 27 सितंबर को होता है, ठीक है। तो इसका जो थीम था वो था टूरिज्म एंड जॉब्स, टूरिज्म एंड जॉब्स, एक इनकम्प्लीट है, एक मैं बता देता हूँ यहाँ पे, टूरिज्म एंड जॉब्स ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल, ताकि सबका भविष्य जो है अच्छा रहे, और ये इनका जो है एम था, पर्यटन एंड नौकरियाँ, ठीक है। और आपको पता है कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जो हैं वो कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं हमारे टूरिज्म के मिनिस्टर, जो इंडिपेंडेंट चार्ज है इनके पास है, प्रहलाद सिंह पटेल के पास, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आईएमडी जो इन वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के अंदर जो है हमारा इंडिया का रैंक कितना आया है, इंडिया का रैंक है 44। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है प्राइवेट प्रैक्टिस जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स करते हैं उनको बैन करने के लिए बात करी गई है, ये डिसाइड किया है आंध्र प्रदेश ने, और आंध्र प्रदेश ने ये पहले भी काम किया हुआ है, लेकिन अब की बात चल रही है तो अभी आप देखिए जी आंध्र प्रदेश ने किया है। आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो उनका नाम क्या है, वाई एस जगमोहन रेड्डी, और जो इनके गवर्नर हैं वो कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन, क्लियर, ये आपको याद रखना है, आंसर इज आंध्र प्रदेश। कौन से पेमेंट बैंक ने भरोसा सेविंग जो अकाउंट हैं वो खुलवाने की बात करी है, तो वो है जी हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक जो है ये हमारे देश का पहला पेमेंट बैंक था जो राजस्थान में चलाया गया था 2016 में, ठीक है। और प्लस ये इनका जो भरोसा सेविंग अकाउंट है इसका एम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब ये होता है जिसको हमने अकाउंट नहीं खुलवाए उनके अकाउंट खुलवाने हैं, फाइनेंशियल मतलब जो है वित्तीय समावेश सबका करना है। इसके अंदर जो है आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगी 5 लाख रुपए की, ये तब मिलेगी अगर आपके पेमेंट बैंक के अंदर 500 रुपये हैं और मंथ में आप एक बार ओनली वन टाइम जो है आप ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने जो आपका आपको उस टाइम पे कार्ड मिलेगा उससे, डेबिट कार्ड से अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं 500 पर मंथ आप अपने कार्ड अपने अकाउंट में रखते हैं, तो 5 लाख रुपए का आपको पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा।
ये बुक किसने लिखी है? टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ, टर्बुलेंस एंड ट्रिम्फ नाम की पुस्तक जो है वो लिखी है राहुल अग्रवाल ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नीति आयोग ने गांधीयन चैलेंज लॉन्च किया है, ये किसके द्वारा, किसके साथ उन्होंने लॉन्च किया है? ये 150th बर्थ एनिवर्सरी जब जो है महात्मा गांधी जी की थी, तब इन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के साथ, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, और आपका अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब, अटल टिंकरिंग लैब जो है वो किसकी है, आपके जो नीति आयोग की, ठीक है, और प्लस यूनिसेफ, ये तीनों ने मिलके जो है ये बात करी है गांधीयन चैलेंज की। तो आंसर इज ए ऑप्शन। और इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर तरीके से जो है इनोवेशन, इनोवेशन यानी कि नए नए तरीके सिखाए जाएंगे, इनोवेटिव आइडियाज़ सिखाए जाएंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशन दिखाए जाएंगे, ताकि आप गांधी जी के प्रिंसिपल देखें और उज्ज्वल भारत का भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो ये बात इन्होंने करी है यूनिसेफ ने, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, यूनिसेफ के हेडक्वार्टर इज न्यूयॉर्क, क्लियर, याद रखना। और यूनेस्को के हेडक्वार्टर पेरिस, यूएनडीपी के हेडक्वार्टर जो है आपका न्यूयॉर्क में है, यूएनईपी के एनवायरमेंटल प्रोग्राम के नैरोबी कीनिया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंडियन आर्मी ने हिम विजय एक्सरसाइज करी है, तो ये कौन सी स्टेट से करी है? ये है अरुणाचल प्रदेश, ए ऑप्शन। ऑफिशियल मैस्केट ऑफ 2022 बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स, ध्यान रखना पैरालंपिक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे इनका जो मैस्केट है वो है इट्स शुए रॉन रॉन, ये जो है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्लियर। और आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने दो मैस्केट जो है बनाए हैं 2022 की, जो बीजिंग में होने वाली है आपकी ओलंपिक्स, बीजिंग में होने वाली है 2022 की, तो इन्होंने जो है आपका जाइंट पांडा, जो बर्फ से बना हुआ है जाइंट पांडा, ठीक है, ये इन्होंने मैस्कट बनाया है। एक का नाम रखा है बिंग ड्वेन ड्वेन, एक का नाम रखा है बिंग ड्वेन ड्वेन, और दूसरे का नाम जो है वो आपको पता ही है शुए रॉन रॉन, ठीक है। ये आपको मैं बताऊं कि अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा ये बीजिंग विंटर पैरालंपिक्स, ठीक है, पैरालंपिक्स पूछा है, ध्यान रखना, जो थोड़े से जो लोग जो होते हैं आपके हैंडीकैप्ड होते हैं, थोड़ा हाथ पैर सही, थोड़ा सा थ्री गंग से काम नहीं कर रहे, लेकिन हमसे भी बहुत आगे हैं वो लोग, तो पैरालंपिक्स कैटेगरी के अंदर तो वो है शुए रॉन रॉन। अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि विंटर ओलंपिक में बताइए, कि विंटर ओलंपिक में, अगर ओलंपिक पूछा, नॉट पैरालंपिक, ठीक है, ओलंपिक पूछा, पैरालंपिक ना पूछा, तो विंटर ओलंपिक में है बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चाइना बीजिंग में होने वाली है 2022 में। किस गवर्नमेंट ने जो बायो फेंसिंग के लिए बात करी है, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जो बायो फेंसिंग लगाई जा रही है, बायो फेंसिंग का मतलब है जाल लगा देते हैं ताकि जो है लोग और जो है पोचिंग वगैरह, चोरी वगैरह ना कर सके और आपका कोई भी अटैक ना हो सके, तो ये बात करी है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और उत्तराखंड के जो CM है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, और बेबी रानी मौर्या जो हैं वो गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। हु हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन 2020, कौन अपॉइंट किए गए हैं, ये पहले क्रिश्चियन अपॉइंट किए गए हैं, पहले ईसाई धर्म के पर्सन अपॉइंट किए गए हैं, इनका नाम है फ्रांसिस डी ब्रिटो, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सी डेट को शॉर्टेस्ट डे जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, इंडिया एक्सपीरियंस करता है, इंडिया वर्ड यूज़ किया तो हम लोग हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ ये आपकी इक्वेटर है 0 डिग्री के ऊपर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है, ये आपकी 23.5 साउथ है, ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, कैप्रिकॉन कहते हैं, और इसको आप कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, क्लियर। अब क्या होता है कि 22 दिसंबर वाला दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें जो होती हैं वो यहाँ पे पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ेंगी 23.5 पे पड़ेंगी, तो इसका मतलब यहाँ पे सनलाइट ज़्यादा रहने वाली है, सनलाइट क्या होगी, मैक्सिमम, जब सनलाइट मैक्सिमम होगी तो दिन भी क्या होगा, बड़ा होगा, डे भी क्या होगा, लेंथी होगा, और नाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, नाइट क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपको जैसे पता है कि इंडिया
अगर मैं कहूँ कि इंडिया इंडिया को अगर हम जस्ट समझना है, ठीक है, कि दिस इज़ इंडिया, तो इंडिया के सेंटर से एक हमारी लाइन निकलती है 23.5 डिग्री, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। तो इसका मतलब इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, आधे में है, यहाँ पे इंडिया के आधे में से ऐसे निकल रही है। तो जब सन की रेज यहाँ पे पड़ेंगी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ेंगी, तो यहाँ पे रेज पड़ नहीं रही, तो इसका मतलब यहाँ पे दिन क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो नाइट हो जाएगी वो लेंथी हो जाएगी। क्लियर, नाइट क्या हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये किस दिन होगा, 22 दिसंबर को। क्यों, क्योंकि सन की रेस कहाँ पे पड़ती हैं, कैप्रिकॉन के ऊपर पड़ती हैं, और सारा दिन वहाँ पे क्या रहता है, हमारे देश में इंडिया में क्या लग जाएगा, 22 दिसंबर को ठंड होगी, विंटर सॉल्स्टिस हो जाएगा, लेकिन विंटर सॉल्स्टिस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन साउथ के अंदर यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा जी समर, यहाँ पे क्या होगी, समर होगी। ध्यान रखना ये चीज़ें, तो ये आपका आंसर है। तो सेम अगर उन्होंने पूछा कि आपका 21 जून को हमारे इंडिया में क्या होगा, 21 जून को होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो होगा हमारा समर का दिन होगा और लॉन्गेस्ट डे होगा यहां पे, ठीक है। एक आपको और बता दूं, 20 से 21 मार्च और 22 से 23 सितंबर, ये कोई भी दिन हो सकते हैं इन दोनों में से, ठीक है। इनके टाइम पे हमारा क्या लगता है, इक्विनॉक्स लगता है। क्लियर, जहां पे आपकी सन की रेज जो होती हैं इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं, विषुव रेखा के ऊपर पड़ती हैं। इक्वेटर को आप ग्रेट सर्कल के नाम से भी जानते हैं, ग्रेट सर्कल 0 डिग्री के नाम से भी आप जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनता है हमारा ए ऑप्शन। फ्यूज वायर जो होता है इसमें से किस चीज़ का अलॉय होता है, फ्यूज वायर का मतलब क्या होता है कि जिसमें आपका जो करंट अगर ज़्यादा आ जाता है तो ये वो मेल्ट कर जाए, मतलब उसका जो गलनांक है वो बहुत कम होना चाहिए, बहुत ही जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो ये गल जाए, ठीक है। और इसके किस चीज़ की बनी होती है, टिन और लेड की बनी होती है। अगर उन्होंने पूछा कि प्योर फ्यूज़ बताओ, प्योर फ्यूज़ किसकी बनी होती है, तो आंसर क्या बनेगा, टिन। टिन का सिंबल है SN, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन एक और लिखा हुआ है, टिन एंड कॉपर। टिन एंड कॉपर को अगर हम मिलाते हैं, 10% आपका टिन और 90% आपका कॉपर, ठीक है, और इससे मिल जाता है जी ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज एज किसे कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी उसको कहा जाता है, और जो है आपकी अर्बन पॉपुलेशन है, अर्बन सिविलाइजेशन है। देखिए क्या कहता है, वेस्ट कोस्ट में जो नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, देखिए क्या कहता है, ये वाला, ये पश्चिमी घाट ये वाला है उसका नॉर्थ इलाका, ये कल भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, इस इलाके को क्या कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं, क्लियर, और इस इलाके को क्या कहते हैं, मालाबार कोस्ट कहते हैं, और इस इलाके को जो आपका यहाँ तक है इसको आप क्या कहते हैं, उत्कल प्लेन कहते हैं, और इसको आप कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मालाबार कोस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि नॉर्थ हिस्से में पूछ रहा है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, कोंकण कोस्ट आंसर बनेगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कोंकण कोस्ट अगर आपसे पूछ भी लिया कि ये बताओ कि कहां से कहां तक है, सो गोवा आ जाता है, मुंबई आ जाता है, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दमन दीव है ना हमारा, दमन से लेके गोवा तक का एरिया, ठीक है। और यहां पे जो मालाबार कोस्ट है, मालाबार कोस्ट पड़ेगा जी आपका गोवा टू कन्याकुमारी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोरोमंडल कोस्ट आपको पता है कि तमिलनाडु वाला हिस्सा है। चार्ल्स डार्विन द फेमस एवोल्यूशनिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन्होंने जो थ्योरी बताई थी वो बताई थी आपकी एवोल्यूशन की थ्योरी बताई है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इन्होंने बताई थी। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये बुक कौन सी थी, चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, सो बी इज द राइट आंसर। जब ग्लोबल वार्मिंग होगा तो इनमें से कौन सा जो प्रभाव होने, कौन सी चीज़ आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर आपका क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, क्लियर, गर्म हो रहा है, हॉट हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का जो है बढ़ जाएंगी, और टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा जिसके कारण जितने भी पानी है ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, बारिश ग्लेशियर पिघलने लग जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी, फ्लड आ जाएंगे, सारी जो आइस है वो पिघलने लग जाएंगी, ट्रॉपिकल साइक्लोन की कंडीशन बन जाएंगी, बहुत सारे रीज़न और भी बनेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, मैंने 6 ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बता रखा है, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, एंड वन मोर इज सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा इफेक्ट कम देखने को मिलेगा, देखिए इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ हरिकेन, ये तो होगा, ये होगा, लॉस ऑफ फर्टाइल रीजन एज फॉर द एग्रीकल्चर, ठीक है, ये भी होगा, बिल्कुल होगा,
डिक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द वेजिटेशन, कम आपकी संश्लेषण होगी, नहीं ये इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, श्रिंकिंग ऑफ द पोलर आइस रीजन ये बिल्कुल होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि लीस्ट कौन सा होगा, इसमें कम फर्क पड़ेगा, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, सी ऑप्शन बनेगा, लेकिन ये मेजर इफेक्ट पड़ेंगे, ए बी और डी जो है वो मेजर इफेक्ट पड़ेंगे, लेकिन सी वाला जो है आपको इतना इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, कम इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक डायनेस्टी के अंदर कॉपर कॉइन्स इशू किए गए थे आपके सिल्वर कॉइन की बजाय, उनमें से कौन से पर्सन ने करे थे, ये करे थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक जो है जिनको जूना खान कहते हैं और वाइजेस्ट फूल भी इनको कहा जाता है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं, पांच रीजन थे, दुआब रीजन के ऊपर टैक्स लगाया था, कैपिटल शिफ्ट करी थी दिल्ली से देवगिरी, और जो है आपका खुरासन एक्सपीडिशन करने के लिए बात करी थी इराक में, और इराक के अंदरसात के साथ जो है आपका जो है कुंगमाऊ हिल्स के ऊपर अटैक करने के लिए बात कर रहा था आपका कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्यासुद्दीन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक वो हैं जिन्होंने गाजी मलिक का जो है टाइटल लिया है, गाजी मलिक, ठीक है याद रखना गाजी मलिक, और तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। फिरोज शाह तुगलक लिखा गया है, फिरोज शाह तुगलक कौन है, इन्होंने जितने भी एग्रीकल्चर लोन जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने लगाए थे इन्होंने खत्म कर दिए, ठीक है, जिसको आप तकवी लोन कहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है आपको, तकवी लोन का मतलब क्या है, एग्रीकल्चर लोन किसने इशू करे थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने, किसने खत्म किए, फिरोज शाह तुगलक ने। अब इन्होंने जजिया भी लगाया, जजिया टैक्स लगाया ब्राह्मण्स के ऊपर, ठीक है, जो सबसे पहली बार शुरुआत हुई थी। हॉस्पिटल्स इन्होंने बनवाए थे दरुल शिफा, दरुल शिफा दिल्ली के अंदर। इन्होंने मैरिज ब्यूरो भी बनाया था जिसे आप क्या कहते हैं, दीवाने खैरात कहते हैं, दीवाने खैरात कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी इन्होंने स्टार्ट कराया था, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने स्टार्ट कराई थी, और साथ के साथ इनकी एक बुक है, बुक का नाम है फतूहत, फतूहत ए फिरोजशाही, फतूहत ए फिरोजशाही नाम की एक पुस्तक भी इन्होंने लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। ये आंसर बन गया जी आपका बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। इनमें से नेचुरल पॉलीमर जो है वो कौन सा है, नेचुरल पॉलीमर, पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जुड़ती 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 वो बड़ी बन जाती हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। अब ये जो है स्टार्च, यहाँ पे ऑप्शन डी बनेगा राइट आंसर, ठीक है, स्टार्च जो है वो नेचुरल पॉलीमर है और प्लांट फूड है, प्लस यहाँ पे और देख लेते हैं बाकी ये तीनों जो हैं आपके आर्टिफिशियल हैं। बेकलाइट जो है वो कहाँ पे काम आती है, ये जो आपके कॉम वगैरह होते हैं, कंघे वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे बनाने में काम आता है, ये ध्यान रखना है। नायलॉन जो है ये कहाँ पे काम आता है, आपका स्लीपिंग बैग वगैरह बनाने में, क्लियर, और रोप बनाने में, रस्सा वगैरह बनाने में, और डेंटल फ्लॉस बनाने में, जो दांतों के अंदर आप मारते हैं, डेंटल फ्लॉस एक धागा होता है जिसके दांत साफ होते हैं, आपका नायलॉन का होता है। पॉलीथीन जो है आपका बैग होता है, पॉलीथीन पैकेजिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है, ऑप्शन क्या बनेगा आपका, स्टार्च। इनमें से कौन सा ऐसा मैमल है जो अंडे देता है, स्तनधारी, स्तनधारी जो मिल्क ग्लैंड जिनके पास होती हैं, सो वी आर मैमल्स, तो इनमें से दो ही हैं हमारे जितने भी स्पीशीज़ हैं, एक होता है डकबिल्ड प्लैटिपस, डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है, जो ये ऑप्शन लिखा गया है डी इज द राइट आंसर, और एक होता है आपका स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, और स्पाइनी आंट ईटर को पूछ सकते हैं कि और पेपर में नाम आ सकता है इसका एक्डिनिया, एक्डिनिया नाम भी आ सकता है, कि ये जो पर्सन, ये जो दो लोग हैं मैमल हैं ये अंडे देते हैं, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब होता है, एब्सोल्यूट जीरो इज जीरो डिग्री आपका, जीरो डिग्री केल्विन, जीरो केल्विन, और माइनस 273.5 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में पॉइंट, ये ध्यान रखना पूरा का पूरा ये एब्सोल्यूट जीरो है। ये टेम्परेचर मेजर लेके आना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पे अगर पहुँच जाता है तो आपके सारे मॉलिक्यूल जितने भी हैं वो सारे के सारे मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, सो ए इज द राइट आंसर। ग्वाइटर जो है वो किसकी डेफिशिएंसी के कारण होती है, गेंगा जिसे आप कहते हैं, इस गेंगा, ठीक है, ये होती है आयोडीन की कमी से। आयोडीन जो होता है एक थायराइड ग्लैंड के लिए चाहिए, जरूरी होता है ग्रोथ के लिए, थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो गेंगा रोग हो सकता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे जिंक है, जिंक इंसुलिन यहाँ पे लिखा ही पड़ा है, यहाँ पे जिंक इंसुलिन के लिए चाहिए, इंसुलिन आपका हार्मोन है। कैल्शियम हड्डियों के लिए चाहिए, बोन्स के लिए चाहिए, अगर कमी हो जाती है तो रिकेट्स भी हो सकता है, ऑस्टियोमलेशिया भी हो सकता है। और क्लोरीन आपको पता है कि HCl आपने पढ़ा होगा, HCl जो है आपका हमारे स्टमक के अंदर निकलता है, अमाशय के अंदर निकलता है, जहाँ पे हमें जो आपका फूड को डाइजेस्ट करने के लिए काम आता है। बाकी जो क्लोरीन है, क्लोरीन आपका जितने भी एसिड बेस बैलेंस बनाने में भी काम आते हैं।
है जो आपका क्लोरीन है. ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, आयोडीन. द मेन प्रोटीन फाउंड इन द मिल्क इज, कौन सा प्रोटीन जो आपका प्रोटीन है दूध में होता है वो होता है कैसीन. सो डी इज द राइट आंसर, कैसीन. अब यहाँ पे जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन जो होता है ये प्लाज्मा प्रोटीन है आपका, बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है जो लीवर में बनता है. ठीक है. ग्लोबुलिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम वगैरह बनाने में काम आता है, यानी कि इम्यूनिटी वगैरह बनाने में काम आता है, लीवर फंक्शन में काम आता है, और जितने भी इन्फेक्शन होती हैं इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी काम आता है. तो आंसर क्या बनेगा, कैसीन. और आपको मैंने बताया था कि एक रेनिन एंजाइम होता है बच्चों के अंदर बहुत एक्टिव होता है कि जो कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बच्चों के अंदर एक्टिव होता है जिसके कारण जैसे ही बच्चे दूध पी के जो है उल्टी मार देते हैं, वॉमिट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं दूध, तो उसमें वो दही की फॉर्म में होता है. वो रीजन क्या है, रेनिन एंजाइम. डेली वेदर मैप जो होता है, दैनिक मौसम मानचित्र जो बनता है वो कहां पे बनता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो आपका पुणे के अंदर है वहां पे ये बनाया जाता है. और ये जो प्रिंट होता है 1878 से 1878 से जो है प्रिंट हो रहा है हमारे देश के लिए. किसकी वॉइस रॉयलिटी के टाइम पे जो कैपिटल है वो कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी, वो थे लॉर्ड हार्डिंग. सो 1911 के अंदर ये अनाउंस हुआ था, क्लियर. 1911 के अंदर, क्योंकि जॉर्ज फिफ्थ और इनकी जो वाइफ है मैरी, लेडी मैरी, ये आए थे, और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने कहा कि दिल्ली शिफ्ट करेंगे कलकत्ता से. और इन्होंने अनाउंस कब किया, 1911 में, लेकिन ये एक्चुअली में हुई कब, 1912 में आपकी शिफ्ट हुई कैपिटल. लॉर्ड कैनिंग जो हैं, लॉर्ड कैनिंग कौन है, जिन्होंने 1857 के टाइम पे जब रिवोल्ट हुआ था आपका, ये लॉर्ड कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल वाइस रॉय थे. लॉर्ड लिटन जो हैं ये आपके रिएक्शनरी वाइस रॉय, सबसे बेकार गंदे वाइस रॉय हैं ये, हैं रिवर्स कैरेक्टर, और जितने भी वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं वो इनके लिए हैं, क्योंकि इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लगाया था. वर्नैकुलर प्रेस एक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने न्यूज़पेपर छापना है अपनी लैंग्वेज में तो पहली कॉपी यहाँ पे आएगी, अंग्रेज़ों के पास आएगी. 1878 में किया था. आर्म्स एक्ट भी इन्होंने चलाया था, आर्म्स एक्ट भी 1878 के अंदर था. इन्होंने बोला था कि अगर इंडियंस को बंदूकें रखनी हैं, 1878 में कानून पास किया था, अगर इंडियंस को बंदूकें रखनी है तो उनको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई पर्सन है अंग्रेज है, यूरोपियन है, उसको कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है. लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, जिन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी 1757 में सिराजुद्दौला के अगेंस्ट. ठीक है, तो ये हमारे गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे. तो आंसर लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और पहले जो है आपके गवर्नर जनरल बने थे रॉबर्ट क्लाइव. सो डी इज द राइट आंसर. सॉरी, ये बने थे रॉबर्ट क्लाइव जो थे, पहले गवर्नर थे, ध्यान रखना. और मैं चलो बता देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे, गवर्नर ऑफ बंगाल अगर पूछा तो वो कौन बने थे आपके, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है रॉबर्ट क्लाइव. और पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, पहले गवर्नर जनरल बंगाल के वो थे वॉरेन हास्टिंग बने थे. ठीक है, और अगर उन्हें पूछा पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे तो आपका आंसर आएगा बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक. सो आंसर क्या बनेगा जी इस क्वेश्चन का, ये बनेगा जी हमारा बी आंसर, दैट मींस लॉर्ड हार्डिंग. कौन से कनिष्क के जो है कोर्ट फिजिशियन थे, जो दवाई वगैरह देते थे, तो वो थे जी चरक. कौन थे, चरक, सी ऑप्शन. और चरक ने एक बुक लिखी थी चरक संहिता, चरक संहिता नाम की पुस्तक भी लिखी थी. ठीक है, और यहाँ पे एक और पर्सन है वासुमित्रा, वासुमित्रा जिन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर जो कनिष्क ने करवाई थी कश्मीर के अंदर, वहाँ पे क्या थे, चेयरपर्सन थे. और वहाँ पे वाइस चेयरपर्सन कौन थे, वाइस चेयरमैन थे अश्व घोष. ठीक है, और पतंजलि लिखा गया है, पतंजलि ने एक कमेंट्री लिखी थी महाभाष्या, महाभाष्य नाम की एक पुस्तक लिखी थी. और ये कमेंट्री किसकी ऊपर थी, पाणिनी के, पाणिनी की बुक अष्टाध्याय के ऊपर. और अष्टाध्याय क्या थी, आपकी पहली संस्कृत ग्रामर थी. तो आंसर इज सी ऑप्शन. गल्वेनोमीटर को अगर आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा. देखिए, हमेशा हाई रेजिस्टेंस यूज होता है अगर आप किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हो. ठीक है, तो इसमें ऑप्शन तो हाई रेजिस्टेंस वाला बनेगा, लेकिन याद कैसे करेंगे, आपको वर्ड याद रख लेना है, गैप, गैप वर्ड होता है. गल्वेनोमीटर को अगर हमने अमीटर में चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा. गल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में लगाना पड़ेगा तो सीरीज में लगाना पड़ेगा, दोनों जगह पर रेजिस्टेंस हाई लगेंगे. गल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना है तो वायर कैसे लगानी है कि पैरेलल लगानी पड़ेगी. गल्वेनोमीटर को अगर वोल्ट मीटर में चेंज करना है तो शंट जो होती है, वायर जो होती है, सीरीज में लगानी पड़ेगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका बी ऑप्शन, दैट मीन्स हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज. बी स्ट्रिंग क्या होता है, बी स्ट्रिंग के पास इसमें होता है जी फॉर्मिक एसिड,
क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, जिसमें लाल निशान बन जाता है, तो ये क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन विच फॉर्म ऑफ कार्बन कोल, ये मैंने आपको शॉर्टकट में भी बता रखा है, ए बी एल पी याद कर लीजिए। चलो आज की शॉर्ट ट्रिक भी ये हो जाएगी हमारी, एंथ्रासाइट, बिटोमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छे गुण जो होते हैं वो एंथ्रासाइट के हैं, सबसे सुपीरियर क्वालिटी, सबसे कार्बन कंटेंट इसके अंदर ज़्यादा, कैलोरीफिक वैल्यू इसके अंदर ज़्यादा। सबसे घटिया जो होते हैं वो पीट के अंदर आएंगे, तो आंसर क्या बनेगा आपका, एंथ्रासाइट। तो ए क्या बनेगा आपका, राइट आंसर बनेगा एंथ्रासाइट। यूस्टेशियन ट्यूब जो है ये लोकेटेड कहाँ पे है, कौन सी बॉडी में लोकेटेड होती है, ये होती है हमारे कान में, ईयर में। सो ईयर में बैलेंस वगैरह बनाने के लिए, ईयर बैलेंस बनाने के लिए जो होती है यूस्टेशियन ट्यूब होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ईयर। कौन से ब्रेन के कौन से पार्ट जो है आपका मोटर कंट्रोल करता है, आपके रिफ्लेक्सेस कंट्रोल करता है, ये करता है जी सेरिबेलम। सेरिबेलम को आप लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, छोटा दिमाग भी कहते हैं, और ये हमारे बॉडी पोस्चर को भी मेंटेन करके रखता है कि किस तरीके से आप खड़े हुए हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो अल्कोहल होती है सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इफेक्ट करती है, सेरिबेलम के ऊपर इफेक्ट करती है, ठीक है। सेरिब्रम जो है ये बॉडी का, हमारे ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का पार्ट है, सबसे ज़्यादा मेमोरी, नॉलेज, थिंकिंग, सब कुछ किसके पास होते हैं आपके, सेरिब्रम के पास। मेडुला ऑब्लोंगटा जो होता है, मेडुला ऑब्लोंगटा वो है जिसमें जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, जितनी भी हम कंट्रोल नहीं कर पाते, खांसना, छींकना, पलक झपकना, वो सारा मेडुला ऑब्लोंगटा के पास होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सेरिबेलम। कौन डिसाइड करता है अगर हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जाता है? देखिए, दो तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसकी क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही, जिसमें हम कहते हैं कि 25 साल का है, उसके पास वो जो है उसके पास ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, दिमाग ठीक होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अगर ऐसे आती है तो जब भी पर्सन लड़ता है तो वो इलेक्शन कमीशन के पास अपना नॉमिनेशन देता है और सारे लोगों को अपॉइंट कौन करता है, प्रेजिडेंट, ठीक है। तो अगर उसकी क्वालिफिकेशन में कोई दिक्कत है तो ये दोनों मिलकर उनको निकालेंगे, यानी कि प्रेजिडेंट और इलेक्शन कमीशन मिलकर उनको निकालेगा। अगर उसकी की व्यवहार में दिक्कत है, ठीक है, अगर उसके व्यवहार में दिक्कत है, जाने के अगर मैं कहूँ कि उसने पार्टी चेंज कर ली, सपोज करो कि उन्होंने पार्टी चेंज कर ली, यहाँ बैठा था वो, सपोज करो कि बीजेपी है, सपोज करो कि ये कांग्रेस है, ठीक है, यहाँ से बंदा उठ के यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये सामने कौन बैठा होगा, आपका स्पीकर। अगर किसी ने पार्टी चेंज करी है तो स्पीकर उसको निकालेगा। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन कौन करने वाला है, इसमें करने वाले हैं प्रेजिडेंट इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना है, अगर पार्टी बदल के जा रहा है तो स्पीकर निकाल देगा, चेयरमैन निकाल देगा, और अगर उसने जो है क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रही तो प्रेजिडेंट और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर निकाल देंगे। द फेमस पोएट आमिर खुसरो जो है वो कंटेम्परेरी किसका है, किसके इनमें से किसका नहीं है, वो इल्तुतमिश का जो है कंटेम्परेरी नहीं है। पहले तो मैं आपको सब बताता हूँ कि आमिर खुसरो जो है इनको हम क्या कहते हैं, पैरट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, पैरट ऑफ इंडिया, ठीक है, और जैसे कहते हैं भारत का तोता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत पर्सन जो हैं, बड़े फेमस पर्सन हैं, और इन्होंने 10 रूलर्स के टाइम पे जो है काम किया हुआ है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के फाउंडर हैं, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के फाउंडर हैं, ठीक है, याद रखना है। और बाकी जो ऑप्शन यहाँ पर लिखे हुए हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो हैं, जिनका नाम अली गुरशप है, दूसरा सिकंदर भी कहते हैं इनको, और इन्होंने 12 बार मंगोल के अटैक को ख़त्म किया है। शाहने मंडी की इन्होंने पोस्ट करी गई थी ताकि जो है आपके दरबार में, हमारे इनके दरबार में कोई भी पर्सन अगर चोरी करता है तो उसको सख्त सज़ा मिलती थी, और इन्होंने बोला था कि अगर कोई राजा बनना चाहता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो राजा का बेटा हो, जिसके अंदर दम होगा वो बनेगा, डैट इज़ थियोरी ऑफ किंगशिप, डिवाइन थियोरी ऑफ किंगशिप, यानी किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। ग्यासुद्दीन बलबन, इन्होंने जो है चालीसा की पोस्ट बनाई थी, चालीसा की पोस्ट को ख़त्म किया था, और प्लस इन्होंने सिजदा और पैबोस का नाम का जो है सिस्टम स्टार्ट किया था। पैबोस होता है पैरों को चूमना, सिजदा होता है सलाम करके आना। जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को मारा था, और ये मारा था जब वो कारा में गए थे, ठीक है, कारा गए थे, और जब ये अलाउद्दीन खिलजी की अली गुरशप की चाल थी और इसको मार दिया गया था। तो आंसर क्या बनेगा, इल्तुतमिश के टाइम पे आमिर खुसरो का नाम नहीं था। G20 जो ग्रुप ऑफ 20 हैं, ये किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी होते हैं बैंकों के, और
सॉरी हमारे इंडिया हमारे किसी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है हमारा आरबी उसके गवर्नर दोनों जाते हैं तो G20 मीटिंग में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, सी आंसर। G20 के अंदर जो 19 कंट्रीज हैं प्लस यूरोपियन यूनियन इसमें पार्ट करती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें आपको पता होना चाहिए 2019 का जो समिट हुआ था वो जापान ओसाका में हुआ था, जापान ओसाका। और दूसरा जो है 2020 का समिट जो होने वाला है वो सऊदी अरेबिया में होने वाला है, और 2022 का समिट जो होगा वो इंडिया में होगा 2022 का, ये आपको ध्यान रखना है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रॉपर ग्रोथ के लिए बात करते हैं। नेशनल फिल्म अचीवर्स आर्चीव्स ऑफ इंडिया लोकेटेड कहाँ पे है, ये लोकेटेड है जी पुणे में, जहाँ पे हमारे जो आपके IMD के भी हेडक्वार्टर है, जहाँ पे हमारा मैप छपता है, तो यहाँ से ही वो बात करते हैं, क्लियर। और NAFI के मेन हेडक्वार्टर क्या है, पुणे, लेकिन तीन रीजनल हेडक्वार्टर भी हैं, वो तीनों याद कर लेने हैं आपको, बेंगलोर है और कैलकटा है, तिरुवंतपुरम, ठीक है, ये आपको ये ध्यान रखने हैं, बेंगलोर है, कैलकटा है, तिरुवंतपुरम है, याद रखना। नेक्स्ट है एशियाटिक सोसाइटी जो है इस्टेब्लिश करी गई थी कैलकटा के अंदर, ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश करी गई है, सर विलियम जॉन्स द्वारा ये इस्टेब्लिश करी गई थी, सर विलियम जॉन्स द्वारा 1784 ईस्वी में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा गया है वॉरन हास्टिंग जो हैं ये पहले गवर्नर जनरल हैं आपके बंगाल के, 1774 में ये आपको 73 के अकॉर्डिंग बने थे, पता होना चाहिए। और उसके बाद राजा राम मोहन रॉय हैं जिनको मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राजा का टाइटल इनको दिया किसने था, अकबर द्वितीय ने दिया था। और दूसरी बात ये है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा खत्म करवाई थी, सती प्रथा को खत्म करवाने के अंदर भी लॉर्ड राजा राम मोहन रॉय का बड़ा हाथ था, इंग्लिश एजुकेशन को भी प्रमोट इन्होंने किया था। मैकॉले ने जो है 1835 के अंदर हमारी इंग्लिश एजुकेशन लगा दी थी, या जो इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, और लगाई किसने थी, विलियम बेंटिक ने, ये आपको याद रखना है, विलियम बेंटिक जो हमारे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। सिस्टम ऑफ बजट जो है वो कब जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किसके टाइम पे हुआ था, ये उसके पर्सन के टाइम पे हुआ है जब हमारा 1857 का रिवोल्ट हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, ये लास्ट गवर्नर जनरल हैं और पहले वाइसराय भी यही हैं, ठीक है। और पहला जो बजट है हमारा 1860 ईस्वी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और पहला बजट प्रेजेंटेशन कब हुई थी, 1869 ईस्वी में, और किसने किया था, जेम्स विल्सन ने ये जो है आपको पहली बार जो है आपका ये बजट दिया था। और हमारे इंडिया में बजट का जो आर्टिकल है वो 112 है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है, बजट वर्ड नहीं लिखा जाता, हम बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। लॉर्ड डलहौजी ये जो है इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स चलाई थी, इन्होंने जो है 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चलाई थी आपकी 34 किलोमीटर बॉम्बे टू ठाणे, PWD का डिपार्टमेंट बनाया था, शिमला को समर कैपिटल बनाया था, ये बहुत पर्सन इंपॉर्टेंट है। रिपन जो है जिन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट चलाया था आपका, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जो था आपका 1881 में जो है ये बात करी गई थी, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में। और प्लस ये जो हैं आपके लॉर्ड रिपन जो हैं इन्होंने इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी जो है इनके टाइम पे आई थी, इल्बर्ट विल कंट्रोवर्सी 1883 ईस्वी में आई थी। और जो एल्गिन है इनका जो असैसिनेशन किसने किया था, चापेकर ब्रदर्स ने किया था, ठीक है, ये सब पता होने चाहिए, फैक्ट्स आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये था आज के लेक्चर में, आई होप आपको मज़ा आया होगा। मंडे से जो क्लासेस होंगी हमारी, बिल्कुल हमारी जो क्लासेस होंगी वो बिल्कुल फेस के साथ होंगी, लेकिन आपको मुझे सुबह का 8:30 का टाइम बताना है, और आपको यहाँ पे फेसबुक के ऊपर मुझे सीधा मैसेज करना, आप डायरेक्ट मैसेज करना, और इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज करना, ये मेरे लिंक हैं, आप मुझे इन लिंक्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ पे मुझे कमेंट जरूर करना, मैसेज जरूर करना, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप मेरी gmail ID के ऊपर अपना डाउट सेंड कर सकते हैं। टाइम पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 8:30 बजे मेरी मंडे को जो क्लास लगेगी, बेस्ट 200 की क्लास लगने वाली है, तो मुझे डिसाइड करना है टाइम कितने बजे का रखना है। 8:30 क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लग रहा है कि बीमार रहूंगा, तो मैं चाहता नहीं हूँ कि क्लासेस का टाइमिंग भी अप डाउन आए, ठीक है। तो देख के मुझे बता देना, मैसेज कर देना दोनों जगह के ऊपर। और बाकी जाने से पहले, ये दिवाली सेल है तो आपको पता होना चाहिए 70% ऑफ है, और इन नंबर्स के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम की घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।